हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और हिस्ट्री के सफ़र में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक सीरीज 10 क्वेश्चन के मैं लेके आता हूं डेली डेली रेगुलरली, ताकि आपके जो पेट एग्जाम है वो और ज़्यादा सफल हो सके। ओके, तो याद रखिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आर ओ भी आने वाला है, आ चुका है एक्चुअली में, उसके भी क्वेश्चन अब स्टार्ट करूंगा मैं। तो पेट पहले देख लें, तो 28 तारीख को पेट है, इसके लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। चलिए समय न गवाते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अरिवपुरम आंदोलन की स्थापना की? ओके, टी के माधवन, के पी केशव, श्री नारायण गुरु या के केलप्पन? ओके, तो श्री नारायण गुरु सही आंसर है, यानी 1988 में श्री नारायण गुरु ने अरिपुरम आंदोलन की स्थापना की। यह आंदोलन भगवान पर अधिकार के मुद्दे पर ब्राह्मणों के अधिपत्य के खिलाफ था, याद रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसान आंदोलन की कालानुक्रमिक रूप में वर्णित करें। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह या रंपा विद्रोह? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, यानी ये सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह या रंपा विद्रोह? ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 1 4 3 या 2 1 3 4, 2 3 4 1। ओके, तो सही आंसर है 2 1 3 4, यानी किसान आंदोलन का है संथाल विद्रोह 1855 में, नील विद्रोह 1859 में, मोपला विद्रोह 1921 और रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कानपुर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे? एस के डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नीलिनी गुप्ता। ओके, विकल्प है 1 और 3, 1 2 और 4, 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। सही उत्तर है, सभी के सभी सही है, यानी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में 1924 में हुआ था। इस केस में मुजफ्फर अहमद, नीलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एम के डांगे आरोपी थे। भारत के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सौमेंद्र टैगोर, एन दत्ता मजुमदार, शिशिर रॉय, नंदलाल बोस? किसने किया? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, स्वामीनाथ टैगोर ने 1934 में 1 अगस्त में भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सौमेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह पश्चिमी बंगाल और असम में सक्रिय था। ओके, नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? फोंड सामंत, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह या दाजी कृष्ण पंडित? गडकरी विद्रोह, ये तो आंसर है दाजी कृष्ण पंडित। गडकरी विद्रोह 1884 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में गडकरी के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा 1884 में महाराष्ट्र में। उनके नेता दादाजी कृष्ण पंडित थे। गडकरी मराठा किलों से जुड़े वंशानुगत सेवक थे, जिन्हें भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट, बलूचिस्तान को निम्नलिखित में से किस वर्ष एक प्रांत में संगठित किया गया है? 1881, 83, 85 या 87 में? 1887 में किस वर्ष एक प्रांत को संगठित किया गया है? तो ये सही उत्तर है डी एस 1887, यानी बलूचिस्तान को वर्ष 1887 में एक प्रांत में संगठित किया गया था। अब बलूचिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान से सबसे बड़े प्रांतों में से एक है। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1901, 1902 में, 1905 में? तो 1902 में, यानी 1900 तक अरविंद घोष ने भारत में क्रांतिकारी पंथ के विकास के लिए एक गुप्त समाज शुरू करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1900 में बड़ौदा की सेना को एक युवा बंगाली सैनिक जतिन बनर्जी को बंगाल भेजा और 2 साल बाद 1902 में अपने भाई परिंदर कुमार घोष को वहां के क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने के मिशन के साथ भेजा। यह उनके प्रयासों से ही था कि अनुशीलन समिति कलकत्ता के नाम से जाना जाने वाला पहला उचित क्रांतिकारी गुप्त समाज 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा पी मित्रा द्वारा स्थापित किया गया था। अनुशीलन समिति का नाम बंकिम चंद के इसी नाम की रचना से किया गया है। ओके, नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो कब आए? 1915 में, यानी महात्मा गांधी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को मुंबई में अपोलो मंदिर, यानी अंग्रेजों द्वारा विशेष मामलों के रूप में अनुमति दी गई पर एक नायक के स्वागत में उतरे। उन्हें एक परोपकारी पेटिट मिल्स के मालिक और बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जहांगीर बोमनजी पेटिट 1879 से 1946 के महलुमा घर में एक शानदार स्वागत समारोह में सम्मानित किया गया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया। गांधी को 1915 की राजा जन्मदिन सम्मान सूची में केसरे हिंद स्वर्ण पदक दिया गया। ओके, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने लौटा दिया। मद्रास के रुक्मणी लक्ष्मीपति के निम्नलिखित में से किस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, महासहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह या स्वदेशी आंदोलन? तो नमक
नमक सत्याग्रह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी रुक्मणी लक्ष्मीपति मद्रास की पहली महिला कार्यकर्ता थी जिन्हें नमक सत्याग्रह के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता, गुजरात में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात के पोरबंदर शहर, जिसे सुदामापुरी के नाम से भी जाना जाता है, में हुआ था। यह शहर तब काठियावाड़ा एजेंसी में पोरबंदर के छोटी रियासत का हिस्सा था। गांधी का जन्मदिन भारत के गांधी जयंती, एक राष्ट्रीय अवकाश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।